सोलन के आभूषणकर्ता बर्मा ज्वेलर्स के अनूठे आभूषण रिटेल ज्वेलर्स इंडिया अवार्ड में टॉप 5 में शुमार किए गए हैं। ये जानकारी बर्मा ज्वेलर्स के एमडी अक्षय बर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वे इस प्रतियोगिता में पिछले 6 वर्षों में भाग ले रहे थे, लेकिन उन्हें हर वर्ष मायूसी हाथ लगती थी, लेकिन इस बार उन्हें रिटेल ज्वेलर्स इंडिया अवार्ड में चुना गया, जिसकी वजह से वे बेहद खुश हैं क्योंकि उनके साथ हिमाचल का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। सोलन के आभूषणकर्ता वर्मा ज्वेलर्स ने अनूठी पहल रिटेल ज्वेलर इंडिया अवार्ड में टॉप 5 में शुमार किया गया है। ये जानकारी वर्मा ज्वेलर्स के एमडी अक्षय वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वे इस प्रतियोगिता में पिछले 6 वर्षों से भाग ले रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष मायूसी ही हाथ लगती थी, लेकिन इस बार उन्हें रिटेल ज्वेलर्स इंडिया अवार्ड में चुना गया है, जिसकी वजह से वे बेहद खुश हैं और उत्साहित हैं क्योंकि उनके साथ हिमाचल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। और सोलन जैसे छोटे से जिले के ज्वेलर ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ के आभूषणकार भी देश के बड़े बड़े ज्वेलर्स को टक्कर दे सकते हैं। खुशी जताते हुए वर्मा ज्वेलर्स के एमडी अक्षय वर्मा ने बताया कि रिटेल ज्वेलर इंडिया अवार्ड प्रतियोगिता में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े महानगरों के टॉप ज्वेलर्स को पछाड़ते हुए उनके आभूषणों को टॉप 5 में चुना गया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 6 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और आज मेहनत रंग लाई है। इस अवार्ड की वजह से सोलन भी बेस्ट आभूषणकर्ताओं के मैप में अपनी जगह बना चुका है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। चीज़ें तो हमने बहुत करी हैं, ऑल मार्किंग भी हमने इंट्रोड्यूस किया, IGI भी किया, बहुत कुछ किया, बट आज वर्मा ज्वेलर्स का नेशनल स्तर पर जब ग्रैंड हयात मुंबई में नाम स्क्रीन पर देखा गया था, तो उस टाइम मेरे से भी बताऊँ तो मुझे आंखों से ऐसे आंसू आ गए थे कि ऐसा लगा था कि आज हमने जो चीज़ आज जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करी है वो आज रंग लाई है इन फ्रंट ऑफ ऑल द टॉप ज्वेलर्स ऑफ द कंट्री। चाहे मुंबई की बात करें, चाहे कैलकटा की बात करें, बैंगलोर की, हैदराबाद की, दिल्ली की, इस हर मेट्रो सिटीज़ के टॉप ज्वेलर्स थे जो हर साल पार्टिसिपेट करते थे और हम पीछे बैठकर ताड़ियां बजाते थे। तो आज हमें जब वर्मा ज्वेलर्स का अनाउंस हुआ कि वर्मा ज्वेलर्स हैज़ बीन नॉमिनेटेड अमंगस्ट टॉप 5 डिज़ाइंस ऑफ द कंट्री टुडे इन डायमंड ज्वेलरी एज वेल एज इनेमल ज्वेलरी, सो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस स्तर पर, और मैं इस खुशी का शेयर सारी हिमाचल की जनता को देना चाहूँगा कि उनके विश्वास जो उन्होंने हमारे पे विश्वास करते हैं और हिमाचल के हर कोने से जो वहाँ पर जनता पहुँचती है यहाँ पे इतनी अपना सफ़र तय करके, चाहे वो बस में चाहे वो गाड़ियों में, मैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे पर विश्वास रखा और आपके विश्वास के कारण ही आज वर्मा ज्वेलर्स जहाँ पे है विद ऑल 100 वर्मा ज्वेलर्स की जो टीम 100 मेंबर्स की, आज आपके विश्वास के कारण है और उसी विश्वास के कारण हमें एक कह लो कि प्रेरणा मिली और हमें इच्छा हुई जागी कि हम ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर सकें और नेशनल स्तर पर हम सोलन को एक मैप पे ला सकें ज्वेलरी इंडस्ट्री के। और ये एक जो ये अवार्ड्स हैं बेसिकली ये हमारे ये ऑस्कर अवार्ड्स हैं बेसिकली हम ज्वेलरी इंडस्ट्री के, इट इज़ लाइक आईफा अवार्ड्स, और ये हमारे अवार्ड्स और हिमाचल में वो भी सोलन से एक वर्मा ज्वेलर्स का नाम जब स्क्रीन पर आया तो ये मेरे लिए बहुत खुश की बात है और मैं तहे दिल से पूरी हिमाचल की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।